मैं मिसेस खरे क्लास 12 की फिजिक्स सीरीज का 76 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं वैद्युत धारा। तो चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे बल इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगता है। अगर चार्ज चलने के लिए स्वतंत्र है तो बल की दिशा में चलता है। तो चार्ज जब चलता है तो उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। कितनी विद्युत धारा है तो किसी परपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लीजिए टी समय में क्यू चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो धारा I बराबर Q अपॉन T, Q का यूनिट कूलम, T का यूनिट सेकेंड, तो धारा का यूनिट एम्पियर। एक कूलम हम बता चुके हैं 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड, एक एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में एंटर करेंगे एक सिरे से, दूसरे सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में निकलेंगे। अब देखिए धारा क्या है, अदिश राशि है। ये दो तार हैं ए ओ और बी ओ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये जुड़ करके यहाँ ओ सी तार बना हुआ है। इसमें तीन, इसमें चार है, इसमें सात एम्पियर की धारा मिल रही है। तो ये क्या है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम है। ये धारा कैसी, अदिश राशि है। अब आइए अब अफवाह वेग आगे हम बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं बच्चों।